वेलकम टू भरियाल सबक। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बकरा ईद स्पेशल सिजलिंग गोला कबाब। और मेरे पास में ये कुछ सामान है। देखिए, मटन है मेरे पास में, मटन का कीमा है, हाफ के जी है, जिसको मैंने इस तरीके से कुटवा लिया था, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत मतलब मोटा है। इसको मैं मिक्सी में डाल के पीसूँगी। और ये मेरे पास में कुछ मसाले हैं, देखिए, ये मेरे पास में ज़ीरा पाउडर है, एक चम्मच ज़ीरा पाउडर है, एक चम्मच गरम मसाला है, एक चम्मच चाट मसाला है, एक चम्मच धनिया पाउडर है और एक चम्मच चिल्ली पाउडर है, और ये बड़ी चिल्ली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून है। और ये मेरे पास में नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, ये 1 टीस्पून नमक है। और ये मेरे पास में कॉर्नफ्लोर है, और ये मेरे पास में गार्लिक है, लहसुन पेस्ट, उसके अंदर चिल्ली भी पिसी हुई है, हरी मिर्च का पेस्ट भी है साथ में। और ये पपैया है, रॉ पपैया, कच्चा पपीता, वो 1 बड़ा टेबल स्पून है, जिसको मैंने छिलके के साथ में पीस लिया है। और ये मेरे पास में नींबू का रस है, 1 टेबल स्पून। और ये अदरक है, इसको मैंने पीस लिया है। और ये मेरे पास में बेसन है पाइंड करने के लिए। और ये है मेरे पास में तली हुई प्याज, 1/2 कप। और ये मेरे पास में 1/2 कप दही है। दही में मैंने पानी सब निकाल दिया है, जाली में रख के पानी इसका सब निकाल दिया था। मेरे को हंकट दही चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा वो पानी से नरम ना हो जाए, इसके लिए इसमें पानी नहीं डालना है। और इन सबको मैं एक फूड प्रोसेसर में डालूंगी, कीमे को, और फिर मिक्सर में उसमें फूड प्रोसेसर में डाल के इसको घुमा लूँगी, सब इसमें मिक्स कर लूँगी। क्यों, आपके पास में अगर फूड प्रोसेसर ना हो तो आप ये कीमे को बारीक मशीन में पिसवा लीजिए, नहीं तो फिर आप मिक्सी में डाल डाल के उसको थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके बारीक कर लीजिए। और इससे क्या होएगा कि वो बहुत ही अच्छे और अच्छे बनेंगे, मतलब गोले आपके। और ये सारा मसाला भी इसी के अंदर मैं डाल दूँगी। हमारे बरियाल गराज चैनल को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आपको बहुत अच्छे अच्छे इसमें डिश। ये लहसुन का पेस्ट इसके अंदर जाएगा, ये अदरक का पेस्ट इसी में जाएगा, ये रॉ पपैया। आजकल बकरा ईद का टाइम है, आप पपैया पीस के फ्रीजर में भी रख सकते हैं। इसमें प्याज जाएगी ये फ्राई, फिर इसी के अंदर मैं ये नींबू का रस डालूंगी, फिर इसी में ये बेसन जाएगा, चने का आटा, ये कॉर्नफ्लोर, इसी के अंदर ये दही को डालेंगे हम, पानी का थोड़ा सा हिस्सा था वो मैंने हटा दिया है, फिर इसी के अंदर ये नमक जाएगा, फिर इसको मैं फूड प्रोसेसर को लगा के और चला लूंगी, थोड़ा मिक्स कर लूंगी, अच्छे से बारीक कर लूंगी। चलिए मैं इसको पीसती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको फूड प्रोसेसर में डाल के और अच्छे से पीस लिया है, बारीक कर लिया है एकदम, और ये इस तरीके से हो गया है मेरा। ये देखिए, इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी सारा। आप चाहें तो आप मिक्सर में डाल के मिक्स कर सकते हैं, मिला सकते हैं, और आप बुचर के पास से भी, कसाई के पास से भी आप बारीक करवा सकते हैं मशीन में कीमा। और ध्यान रखिएगा इसमें पानी ना रहे, पानी रहेगा ना तो आपके गोले बनेंगे नहीं। बहुत ही बारीक कर लीजिए, और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डालिए। इसको मैं इसमें शिफ्ट कर लेती हूँ एक बर्तन में। अभी मैं इसको चारकोल से स्मोक करूंगी। सब मैं इसमें से पोंछ के सब पूरा अच्छे से ले लूंगी, साफ कर लूंगी। आप इसमें कुछ खट्टा कम लगे या आपको नमक कम लगे तो आप इसमें मिला सकते हैं, इस पॉइंट में नींबू का रस डाल सकते हैं इसमें, या आमचूर पाउडर डाल सकते हैं नींबू से, अगर हो सके तो
गीला हो जाए थोड़ा, तो आप उसमें या ऊपर से नींबू आप डाल सकते हैं खाने के वक्त। ये देखिए सारा कीमा मैंने, ये कबाब का गोले के कबाब का सब कीमा मैंने मिक्सी से, फूड प्रोसेसर में से सब साफ करके निकाल लिया है अच्छे से। ये बर्तन में रख दिया है। अब इसके अंदर एक कटोरी में रखूंगी जिससे मैं स्मोक करूंगी इसको। आप कुछ भी पुराना बर्तन ले सकते हैं, पुरानी कटोरी ले सकते हैं, या फिर आप फॉल पेपर की एक कटोरी बना के रख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। और आप इसके अंदर, मैंने एक चारकोल को पहले से गर्म करके रखा था और फिर इसको मैं इसके अंदर डालूंगी इस तरीके से। फिर मैं इसमें थोड़ा तेल डालूंगी और इसको स्मोक कर दूंगी मैं हाफ एन आवर को। मैं इसी तरीके से रख रख दूंगी इसमें बंद करके, आधे से एक घंटे तक आप रख दीजिए और अच्छे से स्मोक हो जाए। फिर उसके बाद में फिर हम लोग इसके गोले तैयार करेंगे। ये देखिए हमारे कबाब स्मोक हो गए हैं और ये इसको मैं निकाल दूंगी इस तरीके से बाहर, और बाद में हम लोग इसको गोले बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम ऑयल है, ये ऑयल को पाम में लगा लेंगे इस तरीके से, और फिर उसके बाद में इनको इस तरीके से लेंगे। मैं ये स्टिक ले रही हूँ गोल, आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे आप स्ट्रॉ ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, उससे आप इस तरीके से होल कर दीजिए इसमें। इस तरीके से इसके शेप बनाइए, बहुत आहिस्ता से निकालिए ये देखिए। और इसको मैं इस तरीके से बना बना के गोलों को रखूंगी। हल्का सा इसमें ऑयल लगाती हूँ जिसमें ये आसानी से होल हो जाए। मैं बाकी के भी गोले इसी तरीके से बनाऊंगी। ये देखिए किस तरीके से अच्छे से होल बन रहे हैं इसके। देखिए ये इतने गोले बने हैं मेरे, और अभी फ्राई करेंगे इसको। चलिए हम लोग फ्राई करते हैं इसको। ये देखिए मैंने पैन रख दिया है गैस पे, फ्लेम ऑन है मेरी और पैन भी मेरा गर्म हो गया है, और ये साइड में मेरा ये सिजलर प्लेट है वो भी काफी गर्म हो गई है। इसको मैंने काफी देर से स्लो पे रख दिया था। ये देखिए ये भी गैस ऑन है मेरी, और मैं अभी ये तवे कबाब को जो है वो फ्राई करती हूँ। मैं ये गोला कबाब को, थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी इसके अंदर। ऑयल डालने के बाद में मैं इसमें ये कबाब रखना शुरू करूंगी। धीमे धीमे करके हमको रखना है इसमें, और थोड़ी देर तक के इसको हाथ नहीं लगाना है, इसी तरीके से स्लो पे रख देना है। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फैमिली फ्रेंड्स में, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारी जो भी रेसिपी होंगी वो आपको सबसे पहले मिलेंगी, और ज़रूर आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये देखिए इनको बहुत ही आहिस्ता से धीमे से पलटना है, आहिस्ता आहिस्ता पलटनी पड़ेगी। इंस्टाग्राम पेज परियार ग्लैमर पे आप मुझे फॉलो कीजिए, आपको स्किन प्रोडक्ट बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। ये देखिए मैंने इसको धीमे धीमे से पलट दिया है,
एकदम आहिस्ता आहिस्ता से, और आप भी बिल्कुल धीमे। ये देखिए सब कबाब मेरे फ्राई हो गए हैं बहुत अच्छे से, और ये पैन को मैं आप इस तरीके से इसमें थोड़े से सीजनिंग करूंगी, ये ऑनियन प्याज इसके अंदर मैं सर्व करूंगी। ये कबाब मैं इधर शिफ्ट करूंगी सिजलर पे, बहुत ही मजेदार बने हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी कोई भी सवाल या कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर हैशटैग आस्क बरियाल लिख के पूछ सकते हैं। ओहो पैन काफी गर्म हो गया था, इसके लिए मैंने गैस को ऑफ कर दिया था। पैन को मैं इधर से हटा रही हूँ, इस सिजलर प्लेट को मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी बहुत टेस्टी बने हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। प्लेट एकदम बहुत अच्छी गर्म हो गई है, ये मैं प्लेट को इसके ऊपर रख रही हूँ, सिजलर प्लेट को काफी गर्म हो गई है। देखिए कैसे आवाजें आ रही हैं। Thank you.